मिठाई बांटने की कीजिए तैयारी, लड्डू बांटने के लिए हो जाओ तैयार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जी हाँ मित्रों, 19 अगस्त 2023 के दिन सावन हरियाली तीज पर 100 साल बाद 5 ऐसे अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशि वालों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। और साथ ही मित्रों कुछ ऐसे विशेष उपाय भी है जो कि इस बार आप हरियाली तीज के दिन करोगे ना तो मित्रों आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है वो समाप्त कर सकते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर आज 19 अगस्त 2023 हरियाली तीज के बाद कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से एकदम से बम्पर लोटरी का योग बन रहा है, भाग्य उदय होने जा रहा है, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, धन का योग भी बनेगा और साथ ही कुछ विशेष उपाय और पूजा विधि के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए मित्रों जान लेते हैं हरियाली तीज पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। आपको बता दें दोस्तों कि 19 अगस्त से ही मकर राशि वाले लोगों पर भगवान भोलेनाथ और साक्षात माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न होगी। आपके जीवन में धन संबंधी जो भी परेशानियां, जो भी कष्ट चल रहे थे वो अब दूर होंगे और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। नौकरी करने वाली जो भी महिलाएं हैं या जो मकर राशि वाली पत्नियां हैं उनके पति को नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और बाकी बचे ये जो 4 महीने है ना सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 4 महीनों के दौरान मकर राशि वालों को कोई भी अच्छा और बड़ा पद मिल सकता है, भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। जीवन में अनोखी अनुभूतियां प्राप्त होगी। जो पति पत्नी हैं उनके रिश्तों में जो कड़वाहट अगर चल रही थी वो अब धीरे धीरे दूर होंगी और आपसी संबंध मधुर बनेंगे। प्रेमी के साथ आपके रिश्ते भी सुधरेंगे। जिन कामों में अड़चने आ रही थी वो सभी काम भी पूर्ण होंगे। मकर राशि वाले जो भी कुंवारी लड़कियां हैं जिनके अगर रिश्ते में कोई भी दिक्कत आ रही थी ना तो माता पार्वती जी के आशीर्वाद से इस साल आपका कहीं पर भी रिलेशनशिप जो है वो फाइनल हो सकता है और अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज वगैरह चल रहा था ना तो कर्ज की समस्या भी दूर होगी। कर्ज से आप लगभग दिसंबर तक काफी ज्यादा हल्के हो पाओगे। जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी और इस बार का जो प्रॉफिट है ना वो भी काफी अच्छा और शानदार होगा। आप धन की बचत भी कर पाएंगे। अगर आपके कोर्ट में कोई भी मुकदमा वगैरह या चल रहा था ना तो उसका फैसला भी आपके फेवर में यानी कि आपके पक्ष में आने की संभावना है। मकर राशि वाली महिलाओं को सलाह दी जाती है कि हरियाली तीज पर अपने पति के साथ दोनों पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव शंकर का रुद्राभिषेक करें और देवी माता पार्वती जी को सिंगार की सामग्री चढ़ाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और माता पार्वती जी का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, अगर कोई दोष है तो उसका समाधान क्या है, आपके अच्छे दिन कब आएंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं,
लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है या घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए हरियाली तीज के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों हरियाली तीज का समय वृषभ राशि वाली महिलाओं के लिए काफी अच्छा शुभ और लक्की साबित होगा। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और पति का भी पूरा सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में यानी कि मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही थी ना, तो वो अब दूर होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। जिनके भी वृषभ राशि है, हरियाली तीज के बाद से ही आपकी किस्मत एकदम से चमक उठेगी। इस महीने अगस्त में आपको कोई भी शुभ सूचना मिल सकती है। धन का आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होगी और वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में भी खुशी आएगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। बाकी समय जो है ना, वो एकदम से आपके फेवर में बना रहेगा। चलिए वृषभ राशि वालों को उपाय बताया गया है कि हरियाली तीज के दिन किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति को भोजन कराने से भगवान शिव शंकर का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है और दोस्तों आप जो भी पूजा करते हैं ना, तो उसका भी आपको फल मिलता है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों मेष राशि वाले लोगों के लिए 19 अगस्त से ही आर्थिक दृष्टि से हरियाली तीज का जो ये पर्व है ना, वो आपके लिए काफी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। आप अपने पति की कामयाबी में आपके योगदान की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और कार्यालय में आपको सभी का सहयोग मिलेगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने में भी कामयाबी मिलेगी। धन का आगमन होगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको जल्द से जल्द प्रमोशन प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से तरक्की होगी और धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। जिनके भी मेष राशि है, वो साल 2023 में नई संपत्ति गाड़ी वगैरह ये भी खरीद सकते हैं। धन की आवक बढ़ेगी और आपको कोई भी अच्छी और गुड न्यूज भी मिल सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दुनिया, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे, वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए जो भी आप सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10, 50 या 20 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटू सकती है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, हरियाली तीज के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों वृश्चिक राशि वाली जो भी सुहागिन या कुंवारी महिलाएं हैं ना, उनके लिए यह हरियाली तीज बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहने वाली है। जो भी नौकरी करते हैं, उनको आर्थिक रूप से लाभ के अवसर मिलेंगे। जल्दी ही आपको एक नई जॉब प्राप्त होगी। कुंवारी लड़कियां जो भी है, उनको विवाह के अच्छे अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे और जिनके शादी में दिक्कतें आ रही थी, वो भगवान शिव शक्ति की पूजा से उनकी शादी की दिक्कतें भी दूर होगी।
और वहीं अगर आप मैरिड है, विवाहित है, तो आपके पति को आर्थिक रूप से तरक्की प्राप्त होगी, भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। इस साल 2023 में आप कोई भी अच्छी और बड़ी संपत्ति खरीद पाएंगे। यह साल 2023 आपके लिए एकदम से लकी साबित होगा। और इस साल अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है ना, तो धीरे धीरे आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा, कर्ज संबंधी जो दिक्कत है वो भी दूर होगी। आपके लिए सलाह दी जाती है कि आप हरियाली तीज पर माता पार्वती जी को हल्दी और शिव जी को सफेद चंदन जरूर चढ़ाएं। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि की अगर अपन बात करें, तो वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों मीन राशि वाले लोगों के लिए भी हरियाली तीज के बाद का जो समय है ना, वो काफी अच्छा और शुभ रहेगा। आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपकी क्रिएटिविटी और भी शानदार रहेगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो उनको प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट प्राप्त होगा। और जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, व्यापार में भी आपको लाभ मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। मीन राशि वालों को सलाह दी जाती है, आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, ऐसे में मीन राशि वाली महिलाओं को हरियाली तीज पर पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और इस राशि की महिलाओं को देवी पार्वती जी को लाल चुनरी और महादेव को सफेद वस्त्र अर्पित करें और इसके अलावा भगवान शिवलिंग पर भांग मिश्रित दूध भी चढ़ाएं। इससे समय आपके फेवर में हो गया, भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों